सबसे पहले हमें साइन के बारे में कुछ बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए, जैसे कि साइन फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव और थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है। इसी प्रकार साइन नाइन्टी प्लस माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, साइन 180 प्लस माइनस थीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस साइन थीटा, साइन 270 प्लस माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस कॉस थीटा। अब हम साइन एक्स के बारे में बात करेंगे कि कैसे हम साइन एक्स को ग्राफ में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। पहले एक्स को अलग अलग डिग्री पे रखेंगे, जैसे कि 0 डिग्री, 15 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, अप टू 180 डिग्री। जब एक्स के प्लेस में 0 डिग्री होगा तो साइन 0 इज इक्वल टू 0। इसी प्रकार साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू 0.50, साइन 90 डिग्री इज इक्वल टू 1.000, और बाकी डिग्री का वैल्यू आप टेबल में देख सकते हैं। आप इस ग्राफ के पिंक लाइन में देख सकते हैं कि साइन एक्स का ग्राफ रिप्रेजेंटेशन कैसा होगा। अब साइन 2x का बात करते हैं। इसमें मैं 2x को थीटा मान लिया हूँ। अगर हम x के प्लेस में 30 डिग्री रखेंगे तो थीटा 60 डिग्री हो जाएगा। इसी प्रकार x के प्लेस में हम 45 रखेंगे तो थीटा 90 डिग्री हो जाएगा। मतलब हम x को कोई भी डिग्री में रख लें, थीटा उसका डबल हो जाएगा। हम यहाँ पे साइन 2x और साइन x के बीच डिफरेंस देख सकते हैं कि साइन 2x का वैल्यू 1 हमें 45 डिग्री पे ही मिल गया, और साइन x का वैल्यू 1 हमें 90 डिग्री पे मिला। आप साइन 2x का ग्राफ रिप्रेजेंटेशन ब्लैक लाइन में देख सकते हैं। अब 2 sin x का बात करते हैं। हम 2 sin x को साइन एक्स का बड़ा भाई मान सकते हैं, क्योंकि 2 sin x डबल है साइन एक्स का, और यह चीज़ आप टेबल में भी देख सकते हैं। इसका ग्राफ रिप्रेजेंटेशन आप ब्लू लाइन में देख सकते हैं। अब साइन एक्स बाई टू का बात करते हैं। इसमें भी मैं एक्स एक्स बाई टू को थीटा मान लिया और एक्स को अलग अलग डिग्री में रखा, जिसे हमें थीटा का वैल्यू एक्स के वैल्यू से हाफ मिला। आप टेबल में भी देख सकते हैं। इसका ग्राफ रिप्रेजेंटेशन ग्रीन लाइन में।